रहीम अहमदुन सल्लल्लाहु रसूल करीम। फ़लस्तीन का मसला अब सारी आलमी सतह पर एक बहुत ही संगीन मसला बन चुका है और ये आलमी ज़मीर का एक इम्तिहान है, टेस्ट है कि जिस बड़े पैमाने पर यहाँ कत्ले आम हुआ है, छोटे छोटे बच्चों का, मासूम बच्चों का, औरतों का, बेकसूर लोगों का, जिस बड़े पैमाने पर कत्ल हुआ है, जिस बड़े पैमाने पर तबाही मचाई गई है, जिस बड़े पैमाने पर इंसानी जानों का ज़िया हुआ है, जिस वहशत और बर्बरियत के साथ इंसानों का खून बहाया जा रहा है, तो उसने सारी मगरबी दुनिया को बेनकाब कर दिया है और उनकी मुनाफ़त को बेनकाब किया है। दुनिया के सामने ये बात वाज़े की है कि ये लोग जो ह्यूमन राइट्स और इक्वालिटी और इंसानी हकूक़ और जान का एहतराम और अमन वगैरह की बातें करते हैं, ये इसका मतलब सिर्फ़ अपने शहरियों और सफ़ेद फाम लोगों के हकूक़ की बात है, बाकी एशियाई लोगों के हकूक़ और तीसरी दुनिया के इंसानों के हकूक़ से इनको कोई सरोकार नहीं है। और उसी तरह फ़लस्तीन के लोगों ने जिस जुरत के साथ, हिम्मत के साथ, बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ देकर इस जारहियत का मुकाबला किया है, उससे ये बात साबित हो गई है कि अगर आप इस्तेकामत के साथ और अपने उसूलों पर मजबूती के साथ जम कर हालात का मुकाबला करते हैं तो बड़ी से बड़ी ताकत भी उसूलों के सामने नहीं ठहर सकती। तो हम फ़लस्तीन के जियालों को खराज तहसीन पेश करते हैं, खराज अकीदत पेश करते हैं और सारी दुनिया से ये अपील करते हैं कि वो इस मसले में इन मज़लूम फ़लस्तीनों का भरपूर साथ दें। यौमुल क़ुद्स मनाने का जो मामला है तो जमात भी मुसलसल इसका अहतमाम करती आई है और आखिरी जुमा को रमज़ान के मुल्क के अक्सर मकामात पर खुसूसी प्रोग्राम होते हैं, तो हम इसकी तायद करते हैं और हम समझते हैं कि पूरी उम्मत मुस्लिमा की ज़िम्मेदारी है कि वो फ़लस्तीन के मसले को इस तरीके से याद रखें और इस पर अपनी आवाज़ बुलंद करते रहें। उसका इस्तकबाल तो किया जाना चाहिए, ये बहुत देर से हुआ है, ज़ाहिर है कि बहुत बड़ी तबाही मचने के बाद बहुत देर से बहुत नाकाफ़ी इकदाम है, लेकिन बहरहाल जो कुछ हुआ है उसका इस्तकबाल किया जाना चाहिए, लेकिन ज़ाहिर है कि ये काफ़ी नहीं है। फ़ौरी जंग बंदी होनी चाहिए वहाँ पर, इस प्रस्ताव को पूरी क़ुव्वत के साथ नाफिस करना चाहिए, इसराइल को मजबूर करना चाहिए। अगर वो नहीं मानता तो जिस तरह इराक़ और अफ़ग़ानिस्तान में खुसूसी मिलिट्री एक्शन लेकर मनवाया गया उस तरह मनवाना चाहिए, ज़ाहिर की ज़िम्मेदारी है आलमी ताकतों की। और जो इसराइल के हुक्मरान हैं और वहाँ के फ़ौजी सरबराहान हैं, उन पर जंगी जराइम का मुकदमा चलना चाहिए। जिस बड़े पैमाने पर उन्होंने जंगी जराइम किए हैं वो अनपनिश्ड नहीं रहना चाहिए, उसका भरपूर पनिशमेंट उनको मिलना चाहिए।